हाय, सो महर्षि मार्कंडेश्वर यूनिवर्सिटी सोलन की एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट हो गई है। जैसा कि हम जानते हैं कि एमएमयू सोलन हिमाचल की काउंसलिंग हिमाचल प्रदेश स्टेट करता है, और चूंकि आज से हिमाचल प्रदेश स्टेट काउंसलिंग की रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गई है, तो आप इसे जो भी एमएमयू सोलन के बारे में इंटरेस्टेड है उसको वो फॉर्म भर लेना चाहिए। जो काउंसलिंग वेबसाइट है वो है अटल मेडिकल एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी हिमाचल प्रदेश amruhp.ac.in। उसमें जाएंगे, आपको लेफ्ट साइड पे लिंक नजर आ रहा है अप्लाई फॉर एमबीबीएस बीडीएस काउंसलिंग, आप फॉर्म भरना स्टार्ट कीजिए। ऑफ कोर्स पहले स्टेप पे आपसे आपका ईमेल वेरीफाई करा लिया जाएगा, मोबाइल नंबर लिया जाएगा, और एक बार आप ईमेल वेरीफाई करते हैं आपको एक यूजर आईडी आ जाता है, जो कि ईमेल आईडी होता है, पासवर्ड आ जाता है, उनके बेसिस पे फिर आप बाकी का फॉर्म भर सकते हैं। बाकी सब डॉक्यूमेंट आपके पास होंगे, सिग्नेचर और फोटोग्राफ भी ध्यान रखिएगा। फोटोग्राफ 40 KB साइज की, वाइट बैकग्राउंड, 80% फेस, ईयर क्लियरली विजिबल, कोई गॉगल या कैप मत पहनिएगा। सिग्नेचर ब्लू या ब्लैक पेन से, अगेन ऑन प्लेन वाइट पेपर, 20 KB, दोनों JPG फॉर्मेट में चाहिए होंगी। आप फॉर्म भरते जाएंगे, बाकी सब बहुत सिंपल है। लास्ट में आके नॉमिनल फी दे देंगे अराउंड 1 में, बिकॉज हिमाचल प्रदेश जो 1 लाख डिपॉजिट है वो अराउंड 2 में लेता है अक्सर। अभी तक प्रोस्पेक्टस लॉन्च नहीं करा है, तो पता चल जाएगा कि सिक्योरिटी डिपॉजिट, क्या पता रूल चेंज कर दे और पहले ले ले, आई एम नॉट श्योर, क्योंकि काउंसलिंग स्टार्ट हो गया पर अभी तक प्रोस्पेक्टस उन्होंने अपलोड नहीं करा है। 150 सीट होती है अक्सर इस कॉलेज में, जिसमें 15% NRI भी होती है, जो कि बाद में कन्वर्ट हो जाती है मैनेजमेंट सीट में, एट द डिस्क्रिप्शन ऑफ द मैनेजमेंट दैट आई कैन अश्योर टेल यू। टोटल जो फी हॉस्टल मिला के इंक्रीमेंट मिला के आप मान के चलिए 90 लाख के करीब आपका पूरा पैकेज आता है। लेकिन इस फीस में, जैसा मैंने कहा, स्पेशली फॉर नॉर्थ इंडिया, क्योंकि पंजाब इज ए क्लोज स्टेट, जम्मू एंड कश्मीर इज ए क्लोज स्टेट, हरियाणा में 4-5 जो मेडिकल कॉलेज हैं, मतलब जो NC और झज्जर जैसे 80 लाख रुपए ले रहे हैं, उसके मुकाबले तो 90 लाख में बहुत अच्छी ऑप्शन है। क्योंकि हरियाणा में देखिए आदेश, NC, झज्जर, अल्फला सब में 80 खर्च होने हैं, SGT में 92-95 खर्च होते हैं उनके मुकाबले, और फिर उत्तर प्रदेश में डेफिनेटली 70 में काम हो जाता है। तो अगर आप स्पेशली नॉर्थ इंडिया को पकड़े तो शायद MMU सोलन एक बहुत अच्छी प्राइवेट कॉलेज की ऑप्शन बसता है, अदर देन में भी SGT गुड़गांव, जहां पर थोड़े कम नंबरों पर एडमिशन मिल जाता है बिकॉज ऑफ दी हाई फी। लेकिन मैं सर ट्रेंड देख रहा हूँ कि शायद हरियाणा के भी काफी लोग NC और झज्जर को छोड़ के MMU सोलन में जा सकते हैं। तो जो 85% सीट्स हैं वो भी देखिए डिवाइडेड होती है NRI के अलावा, कुछ MMU सोलन में स्टेट कोटा की सीट होती है जो कम फीस की होती है। जैसे लास्ट ईयर की बात करूं तो उनकी फीस 9.5 लाख रुपए साल की थी, जबकि बाहर वालों के लिए 14 लाख रुपए साल की थी, ऑफकोर्स विद द ईयरली इंक्रीमेंट एंड एवरीथिंग एल्स। तो हिमाचल डोमिसाइल वालों के लिए वो होती है स्टेट कोटा की सीट, बाहर वालों के लिए मैनेजमेंट कोटा की सीट्स, और मैनेजमेंट कोटा की सीट्स भी काउंसलिंग के थ्रू ही दी जाती हैं, और फिर NRI की सीट्स हैं जो कि मिल जाती है अगर बात की जाए प्रशासन से, तो क्योंकि NRI शायद हर साल इतने लोग आते नहीं अप्लाई करने के लिए। तो वी एज ए कंपनी वी हेल्प यू टू रीच MMU सोलन, वी हेल्प यू टू रीच मैनेजमेंट सीट, एंड वी ऑल्सो हेल्प यू टू गेट दी NRI सीट विच इज इवेंचुअली कन्वर्टेड इन टू मैनेजमेंट सीट। तो अगर आपको ऐसी कुछ भी जानकारी चाहिए, हमारा सपोर्ट चाहिए, तो यू कैन कॉल अवर हेल्पलाइन नंबर 9643362320, एंड वी कैन हेल्प यू सपोर्ट यू टू गेट दी MMU सोलन सीट, ऑफकोर्स NRI सीट लास्ट में मिलती है। तो ये है, और बाकी सबके लिए भी जिनको मैनेजमेंट सीट चाहिए, नॉर्मल 350-400 नंबर वालों को आराम से मिल जाएगी, आप फॉर्म भर सकते हैं और यू आर एलिजिबल देन फॉर दिस कॉलेज। हैव अ नाइस डे, बाय बाय।